बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियोस सामने ला रहा हूँ कि आप घर बैठे अपने ही घर में और अपने ही मोबाइल या लैपटॉप्स में जैस कैश का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अपने बताए हुए एड्रेस पे रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, ये जैस कैश वालों ने ना एक ऑफर्स दी हुई है और वो भी 1 रुपए में क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हमारे पास नेट होना चाहिए, नेट के बाद कोई सा भी ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र में जाके यहाँ पर सर्च बार में जाके जैस कैश सर्च करना है। जैस कैश सर्च करने के बाद उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट्स आएगी, जैसा कि आपके सामने है जैस कैश। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम इनके पेज में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में। एक पेज के थ्रू जैसा कि ये आपके सामने है मनी ट्रांसफर्स, यहाँ पर ये मनी ट्रांसफर्स हैं, यहाँ पर बिल पेमेंट्स, पेमेंट्स और मोबाइल अकाउंट सर्विसेज, और यहाँ पर ऊपर है जैस कैश शॉप, मोबाइल अकाउंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, कॉपरेटिव और उसके साथ है जैस कैश फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ से अकाउंट्स, मोबाइल अकाउंट्स पे आना है। मोबाइल अकाउंट्स पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ओवरव्यू भी आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर फ्री लॉन्सर की पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं और जैस कैश अप्लाई करनी कार्ड वास्ते बड़ा जल्दी 5 मिनट लग सकते, ज्यादा नहीं लगने 40 तक कार्ड वैसे। मोबाइल अकाउंट्स में आने के बाद आप यहाँ से ये वाली ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, ओवरव्यू, फ्री लॉन्स पेमेंट्स, जैस कैश, नेक्स्टजेंस, डिपॉजिट्स मनी, ट्रांसफर मनी, क्यूआर पेमेंट्स, डिस्काउंट्स, बिल पेमेंट्स, लोड्स, मोबाइल ऐप, और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जो कि आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसीलिए वीडियो थोड़ी फास्ट नहीं बन सकती, सॉरी। अच्छा, इसके बाद नीचे आपने करना है स्क्रॉल डाउन्स और यहाँ पर आपने आ जाना है जैस कैश डेबिट कार्ड ऑर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और नया पेज ओपन हो गया है मोबाइल अकाउंट्स में से डेबिट कार्ड और उसके बाद ऑर्डर्स कार्ड पे, और यहाँ पर ऑर्डर्स नाउ पे क्लिक करना है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आते हैं 5 स्टेप्स। पहले स्टेप्स पे है स्टेप 1 चूज कार्ड, स्टेप 2 अकाउंट्स वेरिफिकेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, पेमेंट्स और उसके बाद है ऑर्डर्स कन्फर्मेशन। तो ये आपने करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर अपना कार्ड चूज करना है। जैसा कि आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, एक मास्टर कार्ड है ये वाला, एक मास्टर कार्ड और यहाँ पे है पेपाक कार्ड। और मास्टर कार्ड की फी ओनली 1 रुपीज है, जैसा कि ये आपके सामने मास्टर कार्ड की ओनली 1 रुपीज और पेपाक कार्ड की 900 रुपये तकरीबन। और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो जिस पे अपना अकाउंट बना हुआ है, जैसा कि जैस कैश का अकाउंट होता है 86 वाला। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है 032
नेक्स्ट स्टेप पे नीचे आपने लिखना है अपना CNIC नंबर, और वो भी बगैर डैशेस के, डैशेस खुद ब खुद जनरेट करता जाएगा। और नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लिया है और यहाँ पर एक और ऑप्शंस आ रहा है CNIC के नीचे। यहाँ पर प्लीज इंश्योर्स नेम इंटर्ड इज एज पर CNIC ऑन CNIC विच द अकाउंट रजिस्टर्ड। यहाँ पर अपना वही नाम लिखना है ओरिजिनल जो अपना CNIC पे मौजूद है, और उसके बाद अपना अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी लिख देना है, जैसा कि कोई भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ईमेल अगर लिखना चाहे तो लिख लें, मेरा तो यही मशवरा कि ईमेल ना ही लिखें। अगर ईमेल लिखते हैं तो हमारा ईमेल पे नाम डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर नाम भी एक्सचेंज हो जाएगा। जस्ट नाम एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का प्रोसेस बैन कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे आता है कि हु रेफर्ड यू फॉर जैज कैश डेबिट कार्ड। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको किसने बताया कि जैज कैश का डेबिट कार्ड बनाए। तो यहाँ पर आप अपना उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करने नेक्स्ट। ओह सॉरी, यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह भी लिखना है जिस पे आप रिसीव कर सकें। यहाँ पर सिटी पे आएंगे, जैसा कि अपना आपका कोई अपना शहर हो, जैसा कि मेरा सादिकबाद है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एड्रेस दूँगा। अगर मैं अपने ऑन एड्रेस पे डिलीवर करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना कंप्लीट डिटेल्स के साथ एड्रेस लिखेंगे। और अगर इसी एड्रेस पर नहीं मंगवाना चाहते तो आप मोबलिंक ब्रांच का एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। तो बस मैं ये एड्रेस देना चाहता हूँ, इनकी ब्रांच में भी आ जाए तो सेफ ही रहेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे हमारी है वेरिफिकेशन, पेमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम वेरीफाई भी करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन भी देखेंगे कि मेरा नाम, आइए देखते हैं, मेरा नाम ठीक है, मोबाइल नंबर और एड्रेस और इस कार्ड की फ़ी जो कि आपकी सामने है जस्ट ही 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़। तो उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मैसेज आएगा अपने मोबाइल अकाउंट पे, वही सिम पे। यहाँ पर हम अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे जो कि हमने पे करना है 1 रुपये फॉर द डेबिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर अपना एम पिन इंटर करेंगे, जैसा कि मैंने एम पिन अपना इंटर कर लिया मोबाइल से और यहाँ पर मैसेज आ गया थैंक यू फॉर चेक कंफर्मेशन SMS फॉर दी डिटेल्स। यहाँ पर मेरा कंफर्म हो गया है और हमारे लास्ट स्टेप्स पे पहुँच गया, जैसा कि आपके सामने है बन गया मेरा डेबिट कार्ड, ऑर्डर्स हो चुका है। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर्स भी आपके सामने आ रही है। तो ये थी गैस आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल्स फॉर दी मोर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।